हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमन और आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ पतंजलि के करेला आंवला जूस का। तो इस तरह की कुछ पैकिंग इसमें दिखाई देती है आपको और ये मिक्सचर है करेले के और आंवले के जूस का। और दोनों की क्वांटिटी इसमें कितनी कितनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए, आंवला जो है वो इसमें है तकरीबन 6 ml, 5.95 ml, और करेला है इसमें 4 ml। तो 10 ml में से तकरीबन 60% इसमें जूस है आंवला का और 40% इसमें जूस है करेले का। और अब इसको कौन कौन ले सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट है, अल्सर जिनको है, पेट फूलना यानी कि जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, और मूत्र निर्विघ्न मतलब जिनको पेशाब में कुछ प्रॉब्लम रहती है और अच्छे से नहीं हो आ पाता उनको, तो वो भी इसको ले सकते हैं। आंत में कीड़े यानी कि इंटेस्टाइनल वॉर्म जिसको हैं, और गठिया के जो पेशेंट है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जिनको पीलिया है वो ले सकते हैं, और जिसमें खून की कमी है या फिर खून उनका गंदा है तो खून की सफाई भी ये करता है और खून की कमी को भी दूर करता है। खून की सफाई का काम जो ब्लड प्योरिफिकेशन का है वो दोनों ही करते हैं, आंवला और करेला, और खून की कमी को भी ये पूरा करते हैं। इसके अलावा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भी ये अच्छा फायदेमंद रहता है, जो कि इसमें विटामिन सी करता है। आंवला है तो निश्चित रूप से विटामिन सी का ये बहुत अच्छा सोर्स है, तो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे अच्छी होगी। और सेवन विधि मैं आपको बता देता हूँ आपको लेना कैसे है। आपको लेना 10 से 20 ml ये जूस लेना है, और इसको आप सेम क्वांटिटी में या तो पानी मिला लीजिए, नहीं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी आप मिला सकते हैं जिस हिसाब से आपसे पिया जाए। तो उतना पानी आप मिलाकर इसको खाना खाने से आपको पहले लेना है दिन में 2 बार, आधा घंटे का गैप एटलीस्ट रख लें, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आपको खाना खाने से पहले। और आपको मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ किस तरह का ये दिखाई देता है। ये देखिए, कुछ इस तरह की पैकिंग इसकी मिलती है। और प्राइस की अगर बात करें तो ये 500 ml की मेरे पास बॉटल है, और इसका जो रेट है वो आप देख सकते हैं, ये 75 rupees का है, यानी कि ये तकरीबन 150 rupees का 1 liter जूस हो चुका है। तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ एक बार ग्लास में भी कि किस तरह का ये दिखाई देगा। ये देखिए, इस तरह का इसका कुछ कलर है, ब्राउन कलर है। कुछ इसी तरह का नॉर्मल आंवला जूस भी हमें देखने को मिलता है, ये आता है साथ में करेला मिक्स, तो इसको कोई भी ले सकता है। लेकिन मैं अभी आपको एक और चीज़ इसमें बता देना चाहूँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके साथ शेयर करनी। ये देखिए, इसमें डला हुआ है सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट। और ये क्यों डाला गया है, ये केमिकल किसमें क्यों डाला गया है, ये डाला गया है ताकि ये जूस खराब ना हो, खराब होने से बचाने के लिए इसको डालना जरूरी होता है। लेकिन इनके भी अपने साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, डलता इसमें उतना ही है जितना कि पीछे से रिकमेंड किया जाता है, और रिकमेंडेड डोज ही इसकी डाली जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि ये ना जाए हमारी बॉडी में, तो मैं आपको कहूँगा कि आप करेला और आंवला का ताज़ा जूस ले सकते हैं। ताज़ा आप करेला ले लीजिए और ताज़े आप आंवले ले लीजिए, और उनका जूस आप बनाकर पीजिए। इसी रेशो में बना सकते हैं, 60% आंवला का ले सकते हैं और 40% करेले का ले सकते हैं, नहीं तो 50-50% भी डाल सकते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप वो नहीं बना सकते हैं, आपको डेली अवेलेबल नहीं है, तो आप ये भी ले सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बहुत से लोग बाद में पूछते हैं कि इसमें सोडियम बेंजोएट क्यों है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो ख़राब होने की वजह से इसको डालना पड़ता है, नहीं तो ये 1 महीना भी नहीं चलेगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, कंज्यूम विद इन 1 month आफ्टर ओपनिंग द पैक। तो पैक इसको खोल लिया, जैसे मैंने आज इसको खोल लिया, तो मुझे 1 महीने में इसको कंज्यूम करना होगा, और वो 1 महीना भी इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम सॉर्बेट डाला गया है। लेकिन वो डेफिनेटली मैं उससे मना नहीं करता हूँ कि इनके साइड इफेक्ट नहीं है, हल्के फुल्के इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है। इतनी क्वांटिटी में ये नहीं डला हुआ कि इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट हों। तो अभी आप पे है कि आपको ताज़ा आंवला का और करेला का जूस पीना है या फिर आपको ये पैकिंग लेनी है। पैकिंग लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा क्विक रिव्यू आंवला और एलोवेरा जूस पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप हैं चैनल पर नए, ताकि इन फ्यूचर भी हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दे सकें। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, बाय बाय।